नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? जैसे ये एनटीए यूजीसी नेट जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है पेपर, 24 जून 2019 को इस बार जो पेपर हुआ है उसमें कुछ स्टूडेंट का कहना था कि पेपर काफ़ी टफ गया है। तो उसमें पहला जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च से रिलेटेड, जो उसमें अधिकतर क्वेश्चन बोल रहे थे कि रिसर्च से आया था, और DI जो काफ़ी ईजी थी, कॉम्प्रिहेंसन भी था, और जो रिसर्च का क्वेश्चन काफ़ी घुमाव से, कुछ लोगों का कहना था कि काफ़ी घुमावदार के क्वेश्चन थे, और बाकी कुछ का कहना था कि हाँ जो फर्स्ट पेपर है काफ़ी इजी गया। सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें स्टूडेंट का कहना था कि हाँ पेपर टफ आया। उसमें कुछ भवन निर्माण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जो सिलेबस में नहीं था। तो बाकी जो क्वेश्चन थे, जैसा कि लोगों ने बताया कि सैम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और सूती कपड़े के क्रम में लगाना, जैसे डिज़ाइनिंग हो गया, स्काउटिंग हो गया, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। और उसके अलावा Type 1 error जो हर बार क्वेश्चन में आता है वो भी रिपीटेड था। तो उन सबको देखते हुए, उन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए, वो चाहे मेनू से रिलेटेड हो या पिगमेंट से रिलेटेड हो, या फिर रिसर्च में जो हाइपोथेसिस मेजर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बता रही थी एक लड़की कि वो क्वेश्चन आया था कि टाइप वन एरर है उसे किस तरह से मेजर करते हैं, कौन सा, अगर उसे एक्सेप्ट किया गया है तो उसे कैसे रिजेक्ट किया है, तो वो सब चीज़ें उसमें थी, जो कि हर बार क्वेश्चन में 2012 से लेकर के 2017 में देखा गया, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो उससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि वो सारे क्वेश्चन को अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाए। जैसे पिगमेंट का है तो वर्णक है, वर्णक के बारे में तो पूरा दिया हुआ है कि वीडियो में पहले से ही अवेलेबल है कि हाँ कैसे क्या ये वर्णक क्या होता क्या है, पिगमेंट होते क्या है, एडिटिव, जैसे फूड पिगमेंट एंड एडिटिव के बारे में उसमें बताया गया है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे करक्यूमिन किसमें, ये करक्यूमिन जो पिगमेंट है किसमें पाया जाता है, हल्दी में। एलिन पिगमेंट किसमें पाया जाता है, तो वो लहसुन में। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए नए पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो 5 यूनिट कम्प्लीट हो चुकी थी उनको रिवाइज करना है, और जो 5 यूनिट हैं उनको आगे की देखते जाएंगे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जो NTA पेपर करा रहा है वो थोड़ा पैटर्न चेंज है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो उसने फॉलो नहीं की है। इंस्ट्रक्शन में दिया था कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं, जो कि नहीं आए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें थी जो अच्छी थी, जैसे कि उन्होंने 3 घंटे का टाइम रखा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे फर्स्ट में ज़्यादा टाइम लगता है DI सोल्व करने में, कॉम्प्रिहेंसन है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल जो पोर्शन है, तो उन सबको देखते हुए टाइम जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो हमारा ये जो कि बताया कि हाँ 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आने थे, वो चीज़ें फॉलो नहीं हुई, वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें फोकस करना है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पर। तो उसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसमें हम ऐड करेंगे कि क्या क्या है, जैसे कि वो चीज़ें हमारी क्लियर हो सके। जैसे परसेंटेज रेशियो एक क्वेश्चन उसमें से भी देखने को मिला था, क्या बोलते हैं, IC से भी। और अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, तो प्रॉफिट लॉस है, तो उससे हमारी DI भी मजबूत होगी। तो ये है कि हाँ एक चीज़ ले लेंगे, पोर्शन ले लेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें हमारी क्लियर होती रहेगी। बाकी DI को बाद में देखते रहेंगे, पहले हमारा जो सिलेबस है उनको कंप्लीट करना है। और उससे पहले बात आती है जो प्रीवियस पेपर आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं 2000 दिसंबर में, NTA ने किस तरह से क्वेश्चन दिए थे, तो उसको देखते हुए वो सारे पोर्शन को डिवाइड करके इस वीडियो में अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के बारे में बात करेंगे, आगे से स्टार्ट करते हैं नए पैटर्न से। बाकी हमारा जो पुराना पैटर्न था वो रहेगा, उसे सिर्फ रिवाइज करना है, और प्रीवियस पेपर से स्टार्टिंग होगी।
तो अभी के लिए इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू.